नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्राउन एरिया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगा क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्राउन एरिया यानी कि सिर के पीछे के हिस्से में गंजापन आने लगता है दोस्तों, जिसे आम तौर पर वर्टेक्स कह दिया जाता है। यहाँ पर गंजापन खास तौर पर पुरुषों में ही देखने को मिलता है, इसीलिए इसे मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी एंडोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। सही डॉक्टर और नॉलेज नहीं होने की वजह से आमतौर पर यह देखा जाता है कि क्राउन एरिया खाली ही रह जाता है या कम नॉलेज वाले डॉक्टर उसे खाली ही छोड़ देते हैं। अगर क्राउन एरिया और फ्रंटल एरिया एवं हेयर लाइन में बाल लगाने हो तो हो सकता है कि आप लोगों को डोनर एरिया कम पड़ जाए। तो डॉक्टर अच्छी नॉलेज वाले जो होते हैं वो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या अपनी नॉलेज के हिसाब से वो ये सेट करते हैं कि फ्रंटल एरिया में कौन से बाल होने चाहिए और क्राउन एरिया में कौन से बाल होने चाहिए, क्योंकि क्राउन एरिया सेंसिटिव होता है और लेकिन हिडन भी होता है। तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो ये चेक करते हैं कि कौन से फॉलिकल्स जो है वो फ्रंट लाइन में होने चाहिए और कौन से फॉलिकल्स जो है वो बैक एरिया में होने चाहिए। तो ये सही डॉक्टर है और सही डॉक्टर जो है मैं हमेशा रिकमेंड करता आया हूँ। और चलिए मिलते हैं तो इनसे मिलिए। ये हैं डॉक्टर तेजेंद्र भट्टी जी, डार्लिंग बर्ड्स के CEO, और इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग ये नंबर डायल कर सकते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। इनको आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, तो अपने सर्च बॉक्स में लिखिए डार्लिंग बर्ड्स और या डॉक्टर तेजेंद्र भट्टी, तो आप लोगों को ये जो आइकन है वो दिखाई देगा। पहले तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दें। यहाँ से भी आप लोग बेल आइकन इनको प्रेस कर सकते हैं ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिलते रहें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो है वो क्राउन एरिया है जो कि ट्रांसप्लांटेड है और ये बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज हैं। तो 200 फ्यू ग्राफ्ट्स भी जो है फुल क्राउन एरिया में लगे हैं। क्राउन एरिया ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसी डिजाइन बने जो सर्कुलर मोशन हो, लेकिन दोस्तों ये सही डॉक्टर ही आप लोगों को दे सकता है ये सर्कुलर मोशन। लेकिन जो खराब डॉक्टर होते हैं और आप लोगों की जिद पर अगर वो क्राउन एरिया का ट्रांसप्लांट कर भी देते हैं तो वो बाल जो है आप लोगों के खड़े हो जाते हैं, या कहने का मतलब है कि वो एक प्रॉपर लाइनिंग में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बाकी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों जो अन्य डॉक्टर होते हैं वो तो या तो करते ही नहीं है या बहुत रेयर केस में करते हैं। ये जितने भी रिजल्ट्स मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ वो डॉक्टर भट्टी के ही हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो तो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉपर बात की है और मुझे अच्छे लगे हैं, और अगर आप बात करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।